हाय गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे सोच बदलो सितारे बदलेंगे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि साल 2023 में कम पैसों में डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कैसे शुरू करें। तो सवाल यह है कि क्यों शुरू करें डिजिटल मार्केटिंग, आखिर क्या है डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देख रहे हैं सोच बदलो सितारे बदलेंगे यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपको आपके सिवा कोई सफल नहीं बना सकता। तो चलिए जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके के अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। सोशल मीडिया, वेबसाइट, ईमेल मार्केटिंग और भी बहुत सारे डिजिटल चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्यों शुरू करें डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग काफी पावरफुल है और ये आपको बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करता है। पहला तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। दूसरा, आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं और कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी रीच भी बहुत ज्यादा होती है, आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को पूरे देश या पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ये होती है डिजिटल मार्केटिंग की पावर। अब बात करते हैं कैसे शुरू करें डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले आपको अपनी स्किल और अपने नॉलेज को डेवलप करना होगा। इसके लिए आपको SEO मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और भी बहुत सारी चीजें सीखनी होगी। दूसरी चीज, तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना होगा और अपनी टारगेट ऑडियंस को डिसाइड करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस किस एज ग्रुप वालों को पसंद आ रही है, इनका जेंडर क्या है, उन लोगों को उसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं भी, लोगों को वो पसंद भी आना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी ऑनलाइन मौजूदगी क्रिएट करना होगा और आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी होगी और अपनी प्रोफाइल भी क्रिएट करनी होगी। उसके बाद आपको कंटेंट को रेगुलर बेसिस पर शेयर करना होगा, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना होगा। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए आप सोशल मीडिया ऐड या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर के जरिए कर सकते हैं। और हाँ, आप अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज रह सकते हैं, आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी ऑडियंस आपके साथ जुड़ी रहेगी, यानी कि ये कम्युनिटी बिल्ड होगी। तो गाइस, अगर आप कम पैसों में डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्किल और अपने नॉलेज को डेवलप करें, फिर अपने टारगेट ऑडियंस को डिसाइड करें, फिर आप अपना ऑनलाइन प्रोजेक्ट क्रिएट करें और अपने प्रोजेक्ट और अपनी सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।